हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शक्ति एंड आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर सिंस लास्ट 20 इयर्स। एंड टुडे वी विल गिव अ समरी ऑफ द टेक्स्ट द थीफ्स स्टोरी। इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियोज फर्स्टली। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द थीफ्स स्टोरी। तो द लेसन हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो ये कहानी है एक 14-15 साल के एक ऐसे उभरते हुए चोर की, जिसका जो है हाथ जो है चोरियों में बड़ा साफ था, और अनिल से मिलने से पहले वो काफी सक्सेसफुल भी था एज अ थीफ। तो एक दिन वो जो है अनिल को देखता है, तो अनिल को देखने के बाद उसे बहुत ही इजी गोइंग सा फेलो लगा अपने काम के लिए, कि जिस तरह का शिकार वो ढूंढा करता था बिल्कुल वैसा ही शिकार लग रहा था अनिल, बहुत ही भोला भाला और बहुत ही सीधा साधा। अब जिस समय वो अनिल से उस दिन मिलता है, उस दिन अनिल जो है रेसलिंग का मैच देख रहा था। अब हरी सिंह उसका नाम था चोर का, एक्चुअली ये भी असली नाम नहीं था, हर बार वो एक नया नाम रख लेता था ताकि उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं उनसे वो एक कदम आगे रहे और पुलिस से भी वो चार कदम आगे रहे, उसको पहचान ना सके। तो उस दिन उसने अपना नाम हरी सिंह बताया अनिल को, और सीधा सीधा थोड़ी सी फ्लैटरी करी अनिल को कि अनिल भी जो है पहलवान की तरह दिखाई देता है। बदले में अनिल ने भी जवाब दिया कि हरी सिंह भी जो है पहलवान सा दिखाई देता है, हालांकि उसे बहुत सिंगल पसली सा गाय था वो, लेकिन उसकी बात सुनकर के थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था। जाहिर सी बात है, बातचीत अगर शुरू करी तो जवाब तो देना ही था। तो वो जो है देखते हैं उन गुर्राते हुए पहलवानों को जो एक दूसरे को उठा उठा करके पटक रहे थे। रेसलिंग मैच खत्म होने के बाद में जब अनिल वहां से चल देता है तो पीछे पीछे हो लेता है हरी सिंह उसके, और सीधे सीधे बोलता है कि उसे काम चाहिए। तो काम किस वे में, किस सेंस में चाहिए? तो इतना सुनते ही हरी सिंह जो है बैकफुट पे आ गया। वो सोचता है, बोले यार जो आदमी सैलरी ही नहीं दे सकता उसके घर में बल लूटने के लिए क्या होगा। लेकिन फिर भी सोचता हो सकता है ये बेवकूफ बना रहा हो, तो सीधा वो उसको बोलता है अनिल को, हरी सिंह क्या वो उसे खिला सकता है? तो बदले में अनिल ने जवाब दिया, अगर वो पका सकता है तो वो उसे खिला सकता है। तो उसने फिर से झूठ बोला हरी सिंह ने कि उसको पकाना आता है। तो अनिल जो है हरी सिंह को अपने घर लेकर के जाता है, जमुना स्वीट्स के ऊपर उसका घर था, और वो उसे कहता है कि वो चाहे तो बालकनी में सो सकता है। और उस रात को जो खाना हरी सिंह ने बनाया वो इतना जहर, कतई जहर बनाया था कि गली के कुत्तों ने भी नहीं खाया। अब जाहिर सी बात है झूठ बोला था, खाना बनाना उसको आता नहीं था। तो अनिल ने साफ साफ उसको कह दिया कि भैया तूने झूठ बोला था, अब भी क्या भी यहां से चल दे। तो वो वहां से चला तो जाता है कमरे से, लेकिन घर से दूर नहीं जाता, वहीं नीचे खड़ा रहता है और अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल देता रहता है। अनिल जब उसे देखता है इस तरह से स्माइल करते हुए तो उसका भी दिल पिघल जाता है और उसको वापस बुलाता है, बड़े प्यार से उसके सर पर जो है हाथ फेरता है, पीठ थपथपाता है और बोलता है कोई बात नहीं यार, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा और मैं तुझे सेंटेंस को लिखना और पढ़ना और जो है मैथ भी सिखाऊंगा। इतना सुनते ही जो है हरी सिंह था उसके अचानक से जो है जिज्ञासा बढ़ गई, बोले यार अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, मैथ करना सीख गया, गुणा भाग जोड़ भागी अगर वो सीख गया तो लाइफ में वो क्या अचीव कर सकता था वो खुद नहीं जानता था। तो अनिल के घर पर रहना शुरू कर देता है हरी सिंह। अब वहां काम क्या करता था, एक्चुअली अनिल के घर में हरी सिंह जो है जो डेली सप्लाई होती थी उसको डेली लेकर के आया करता था, राशन का सामान, सब्जी हो, फल हो, दूध हो, ब्रेड हो, वॉट एवर जो भी है वो सामान डेली लाया करता था। और इसके बदले में अनिल जो है डेली उसे कुछ ना कुछ अमाउंट दिया करता था। अब हरी सिंह भाई साहब एक चोर था, तो वो जो है डेली सप्लाई के सामान के लिए जो पैसे मिलते थे उसमें से एक आध रुपया वो डेली बचा ही लिया करता था। और ये बात अनिल भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि एक आध रुपया बचा होगा, लेकिन ना तो कभी जो है अनिल ने हिसाब मांगा और ना ही कभी हरी सिंह ने जो है हिसाब देने की कोशिश करी। तो अनिल जो है बहुत ही अजीब तरीके से कमाई करता था, वो किसी एक से उधार लेता और दूसरे को उधार चढ़ा देता, और बदले में जो इंटरेस्ट का चेक होता था उसका वेट किया करता था। इसके अलावा वो मैगजीन के लिए भी लिखा करता था। तो एक शाम को जो है एक नोटों के बंडल के साथ में वो घर आता है और हरी सिंह को सीधे सीधे बोलता है कि उसकी एक बुक जो है पब्लिश हो गई है और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है पब्लिशर ने उसको दिया है। अब नोटों का यह बंडल देखते ही जो है आंखें चार हो जाती है हरी सिंह की। फिर वो सोचता है यार मैं यहाँ किस मकसद से आया था,
मैं यहाँ किस मकसद से आया था। वो सोचता है कि वो तो एक चोर है और उसका यहाँ आने का मकसद ही था लंबा हाथ मारना। पिछले एक महीने से जो है अनिल के घर में था, लेकिन सिवाय ग्रोसरी और डेली सप्लाई के सामान में हेरा फेरी करने के अलावा कुछ और विशेष तो उसने किया नहीं था। लेकिन आज मौका भी था, दस्तूर भी था, फुर्सत भी थी और पैसे भी थे। अगर वो ये पैसा नहीं लूटता हरि सिंह, तो डेफिनेटली वो जानता था कि अनिल ये सारे पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा करके बर्बाद कर देता। तो आज जो है उसे हर हालत में उन पैसों को लूटना ही था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अब तक हरि सिंह जितने भी लोगों से मिला था उन सब में सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन अगर कोई था तो अनिल ही था। उसने अपने घर की एक सेपरेट चाबी बना करके दे रखी थी हरि सिंह को, ताकि वो अपनी मर्जी से घर में कभी भी आ और जा सके। और अब तक का सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था अनिल हरि सिंह के लिए, और इसीलिए शायद उसको लूटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा करते समय काम का जो मजा है, चोरी करने का जो मजा है, वो खराब हो जाता है अकॉर्डिंग टू थीफ। तो काफी कुछ था अनिल के रिगार्डिंग हरि सिंह के मन में, लेकिन जाहिर सी बात थी आज मौका था तो आज लूटना ही था। तो जब अनिल रात को सो गया कमरे में, तो रेंगते रेंगते जो है अनिल उसके रूम में पहुंचा। जो पैसा उसने गद्दे के नीचे टक करके रखा हुआ था, वो पैसा उसने वहां से निकाला और निकाल करके साहब वो वहां से भाग गया। बेतहाशा भागता रहा और काफी दूर जब वो निकल आया तो उसने नोटों को देखा तो पाया 50 रुपीज के कुल मिलाकर के 600 रुपए थे। इतनी बड़ी रकम थी कि इतनी बड़ी रकम में तो वो जो है एक दुबई के जो शेख है जिनके पास में तेल के कुएं हैं, उनके बराबर शान और शौकत वाला जीवन जी सकता था कुछ एक हफ्तों के लिए। तो वो सीधा स्टेशन पर पहुंच जाता है, ऑब्वियसली वहां से भागना था उसका। तो लखनऊ एक्सप्रेस जो है अपनी स्टेशन पर ही चल रही थी, स्टेशन छोड़ा नहीं था उसने। तो टिकट लेने की कोशिश उसने करी नहीं, क्योंकि वो तो चोर था, टिकट से उसको मतलब भी क्या था। तो ट्रेन ने भी स्पीड पकड़ी नहीं थी, तो वो जो है भागने की कोशिश करता तो है, लेकिन न जाने क्यों वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। कौन सी ऐसी चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर काट रही थी। तो वहां से भाग जाने का मौका वो गंवा देता है और वहां से पैदल चलते चलते जो है बाजार में आता है, और बाजार से होते हुए वापस वो रोड पर चलना स्टार्ट करता है। अब वो सोचता है कि यार मैं किसी को भी नहीं जानता सिवाय अनिल के, एकमात्र ही तो एक ऐसा पर्सन था जिसको मैं अच्छे से जानता था। तो अनिल क्या कर सकता था उसकी लाइफ में, ये वो भूल गया था। चोरी करने के एक्साइटमेंट में भूल गया था कि अनिल उसे पढ़ना और लिखना सिखा रहा था, और एक बार अगर वो पढ़ लिख जाए तो जिंदगी में क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो ये सब भूल गया था। तो डिसाइड करता है कि भले ही वो जो है वापस पैसा रिटर्न करते हुए पकड़ा जाए, लेकिन वो जो है ये पैसा वापस रिटर्न करेगा। तो अंदर से गिल्ट था जो उसको खाया जा रहा था। वापस लौट करके वो आता है, अनिल अभी भी सो रहा है, तो वो जो है सीधा नोटों को जो है वापस गद्दे के नीचे वहीं टक करके रखता है जहां से उसने उठाए थे। हालांकि जब वो वहां से नोट लेकर के भागा था तो वापसी में बरसात में भीगने की वजह से नोट गीले हो गए थे, तो गीले नोटों को वहीं गद्दे के नीचे टक करके रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख थोड़ी देर से खुलती है तो पाता है कि अनिल जो है अपने हाथ में 50 का नोट आगे बढ़ाते हुए देता है कि अब से मैं तुम्हें जो है डेली पेमेंट करूंगा। और जो है उसको एक अच्छा खासा पेमेंट हुआ था, और अब वो जो है उसको पढ़ना और लिखना भी सिखाएगा फुल सेंटेंसेस। तो अनिल की आंखों में उसने जो है देखा, तो अनिल की आंखों में देख करके उसे पता चल गया था कि उसको बहुत अच्छे से पता था कि रात को यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि नोट भी गिले थे। अनिल ना तो अपनी आंखों से, ना ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ना ही बिहेवियर से ये जो है शो करने की कोशिश करी कि रात को हरि सिंह ने क्या किया था। तो ना तो अनिल ने शो किया और ना ही हरि सिंह ने जो है कुछ अपोलोजाइज करने की कोशिश करी, क्योंकि उसका वापस लौट आना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट था अनिल के उस पैम्पर बिहेवियर की, अनिल के उस केयरिंग बिहेवियर की, जिसमें उसने जो है एक चोर को सदा सदा के लिए बदल दिया था। दिस इज ऑल अबाउट द थीफ स्टोरी। वी विल मीट अगेन इन अनदर समरी ऑफ सम अदर टेक्स्ट। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।